हेलो गाइस, मेरा नाम सूर्य साव है और आज हम गांधी जी के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था, जो अभी कहाँ पड़ता है तो गुजरात में पड़ता है। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनको बचपन में उनके परिवार वाले मोनिया कहकर बुलाया करते थे। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतली बाई था। पिता सत्यप्रिय, साहसी और निडर व्यक्ति थे, हमेशा दूसरों की मदद करते थे, तथा जो उनकी माता थी वे धार्मिक विचारों वाली महिला थी। कैसी विचारों वाली महिला थी? तो धार्मिक विचारों वाली महिला थी। एक दिन उसके पिता, मतलब गांधी जी के पिता, राजकोट चले गए किसी काम से। वहाँ से उन्होंने अपने पुत्र मतलब गांधी जी के लिए एक किताब खरीदी, जिस किताब का नाम था प्रीति भक्ति। उस किताब में गांधी जी ने अपना दिलचस्पी दिया और बड़े ही मन से पढ़ा। उस किताब में था क्या कि एक ब्राह्मण बालक जिसका नाम श्रवण कुमार था, वह अपने अंधे माता पिता जो चल फिर नहीं सकते थे उनको बांगी में बिठा कर और उस बांगी को अपने कंधे पर रख कर अपने माता पिता को तीर्थ स्थान घुमाया करते थे। जिनकी मृत्यु राजा दशरथ के तीर से हुई थी। इसी कहानी को पढ़कर गांधी जी बचपन में ही श्रवण कुमार की तरह बनना चाहते थे। उनके मन में बात उठी कि हम क्यों नहीं श्रवण कुमार की तरह बने। गांधी जी ने अपने जीवन में कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया था, क्योंकि जब उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र ड्रामा को देखा तब उन्होंने अपने आप से यह तय किया कि वह अपने जीवन में कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेंगे। चाहे उनके जीवन में कोई ना कोई बड़ी से बड़ी चुनौती या कठिनाई क्यों ना आ जाए, वे कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेंगे। और उनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा साहसी, निडर और शांत किस्म के व्यक्ति थे, क्योंकि इस बात से पता चलता है जब हमारा पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था तब वे नौखली में सांप्रदायिक पीढ़ियों की मदद करने में लगे हुए थे। गांधी जी के नेतृत्व में 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में एक सत्याग्रह हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप इस सत्याग्रह का नाम चंपारण सत्याग्रह पड़ गया। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में प्रमुख 6 आंदोलन हुए हैं। पहला पंचारण और खेड़ा सत्याग्रह, जो 1917 में शुरू हुआ था, 1918 में ख़त्म हो गया था। उसके बाद आता है असहयोग आंदोलन, जो 1920 में हुआ था। स्वराज और नमक सत्याग्रह, जिसे हम नमक मार्च या दांडी मार्च भी कहते हैं, जो 1930 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद आता है हमारा दलित आंदोलन और निस्त्रय दिवस, जो 1932 में हुआ था। फिर उसके बाद आता है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। इसके बाद हमारा छठा आता है स्वतंत्र और भारत का विभाजन 1947 ईस्वी में। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद होने के 5 महीने 15 दिन के बाद 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हर दिन के अनुसार वे बिड़ला भवन में शाम 5 बजे प्रार्थना होती थी, वहाँ प्रार्थना होती थी। लेकिन उस समय गांधी जी सरदार पटेल जी के साथ मीटिंग में व्यस्त थे। तभी 5:15 बजे उन्हें यह याद आता है कि प्रार्थना के लिए देर हो रहा है, 5:20 हो चुके हैं, अब हमें जाना चाहिए। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को शाम, जब बातु अभा और मन्नू के कंधों पर हाथ रखते हुए मंच की तरफ बढ़ रहे थे गांधी जी, तभी उनके सामने नाथूराम गोड आ पहुँचे। उसे हाथ जोड़कर गांधी जी से कहे, नमस्ते बापू।
गांधी जी के साथ चल रहे मन्नू ने कहा, भैया सामने से हट जाओ, बापू को जाने दो, बापू को पहले से ही देर हो रहा है। लेकिन गोडसे ने मन्नू को धक्का दे दिया और अपने हाथों में छुपा हुआ छोटी सी पिस्तौल से गांधी जी के सीने पर एक एक करके 3 बार गोलियां दाग दी। 2 गोली बापू के शरीर को छूकर निकल पड़ी, लेकिन 3री गोली बापू के शरीर में ही फंस गई, जिसके परिणाम स्वरूप 78 साल की उम्र में गांधी जी का देहांत हो गया। उसी दिन बिरला भवन में गांधी जी के शरीर को ढककर रखा गया था, लेकिन जब उनके सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी वहां पहुंचे, तो उन्होंने बापू के शरीर से कपड़ा हटा दिया ताकि दुनिया शांति और अहिंसा के पुजारी के साथ हुई हिंसा को देख सके। बिरला भवन में उनके मानने वाले और उनके संबंधी उनके सब के चारों तरफ बैठकर शोक मना रहे थे। पूरा बिरला भवन में शांति फैली हुई थी। बापू के मौत की खबर पूरे दिल्ली में आग की तरफ फैल चुकी थी। आदमी और औरत के दलों के आँखों में पूरे नम हो चुकी थी। हर जगह से लोग आकर बिरला भवन में आ रहे थे। सभी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वहाँ पर एक प्राकृतिक शांति थी। कुछ देर बाद बिरला भवन में रोने तथा चिल्लाने की आवाज़ शुरू होने लगती है। उसी रोते हुए भीड़ में एक आदमी बोलता है कि अब आप मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा क्या होगा। यही बात सारे लोग वहाँ पर बोल रहे थे। सभी बच्चे की तरह दिखाई पड़ रहे थे। उसी भवन में नयनतारा सहगल को टेलीफोन के द्वारा बुलाया गया था। गांधी जी के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्यों ना कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए। हमें कभी भी डर के भागना नहीं चाहिए, बल्कि उस पर हमें डर के सामना करना चाहिए।